घुमारवीं के गांव करियाल में हुए भूस्खलन का शिमला से आई विशेष टीम ने दौरा किया और भू वैज्ञानिकों ने भूस्खलन होने के कारणों की जांच की। इस बारे में बिलासपुर के जिलाधीश राजेश्वर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष टीम रिपोर्ट तैयार करेगी कि किस प्रकार भविष्य में गांव करियाल में भूस्खलन होने से रोका जा सकता है। इस दौरान बिलासपुर के जिलाधीश राजेश्वर गोयल के अलावा संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। घुमारवीं के गांव करियालग में हुए भूस्खलन का शिमला से आई विशेष टीम ने दौरा किया। भूवैज्ञानिकों ने भूस्खलन होने के कारणों की जांच की। इस बारे में बिलासपुर के जिलाधीश राजेश्वर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष टीम रिपोर्ट तैयार करेगी किस प्रकार भविष्य में गांव करियालग में भूस्खलन होने से रोका जा सकता है। इस दौरान बिलासपुर के जिलाधीश राजेश्वर गोयल के अलावा संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि भारी वर्षा के चलते घुमारवीं के करियालग गांव में 7 परिवार भूस्खलन से बिखरा हो गए हैं। प्रशासन द्वारा 7 परिवारों के सदस्यों को रेस्क्यू द्वारा बाहर सुरक्षित निकाला गया था। इस बड़ी घटना में लगभग 7 मकानों की जमीनें मकानों सहित खिसककर लगभग 400 से 500 मीटर नीचे तक चली गई हैं। करीब 35 बीघे जमीन खाई में परिवर्तित हो गई है। यहां तक कि मवेशियों को दूसरे दिन रेस्क्यू किया गया था। हालांकि कुछ मवेशियों के मलबे के नीचे आने के कारण मौत भी हो गई थी। प्रशासन के द्वारा पीड़ितों को 40,000 की राहत राशि प्रदान की गई। पिछले कल 12.5 लाख रुपए और जो है राहत राशि जो है राहत नियमावली के अनुसार वो भी स्वीकृत किए गए हैं। साथ में आज हमारे एक टीम आई है शिमला से राज्य भू विज्ञानी के ऑफिस से, जिसमें मिस्टर गौरव शर्मा जी जो हैं जियोलॉजिस्ट वो हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं और हमारे सॉइल कंजर्वेशन विभाग के अधिकारी भी अभी मौके पर पहुंचे हैं। तो हमने राज्य भू विज्ञानी से अनुरोध किया है कि वो पूरे एरिया का जो है निरीक्षण करके, विस्तृत निरीक्षण करके टेक्निकल इवैल्यूएशन करें और बताएं कि इसमें क्या प्रभावी पग जो है वो हम उठाएं जिससे कि भूस्खलन को रोका जाए। और साथ में जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि करीब 25 से 30 बीघा जो भूमि है इन परिवारों की, वो तो पूरी इसकी जद में आ गई है। उसके साथ साथ जो दूसरा समीवर्ती जो जमीन है उसमें भी मतलब जो है दरारें हैं। तो हमारा जो अभी जो आंकलन करवाएंगे, एक उसमें हम ये इनसे रिपोर्ट चाह रहे हैं कि वो जो एडजॉइनिंग लैंड है कि वो डैमेज ना हो, कि उसमें क्या किया जाए। और इसमें जैसे ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, करीब 100 मीटर से ज़्यादा का मैंने पाया कि जो लैंडस्लाइड है, कि नीचे से उसको स्टडी करते हुए कि कहाँ उसको रोकना है, कि क्या कारण रहा होगा, ताकि ऐसे जो है पुनरावृत्ति ना हो और जो आसपास का क्षेत्र है उसको सेफ किया जाए। साथ में जैसे आप देख ही रहे हैं, जितने प्रभावित परिवार हैं, हमारे लोकल जो पंचायतें, जो हमारे स्थानीय नागरिक, हमारे समाज सेवी स्वयंसेवी संस्थाएँ, जैसे हमारे निरंकारी मंडल और जो मंदिर है यहाँ पे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का, वहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम किया है सबके सहयोग से। प्रशासन ने भी जो है, चाहे एक महीने का राशन है या तरपाले हैं या कंबल बेडशीट्स बर्तन, ये सब प्रोवाइड किए हैं रात राशि के अतिरिक्त। और एक हम आसपास भूमि का भी चयन कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, जिससे कि इनके जो मकान जो हैं जो बिल्कुल टूट गए हैं, इनका पुनर्वास हो पाए। और साथ में जो इनकी एक डिमांड है कि जो कृषि योग्य भूमि इनकी जो इसमें लैंडस्लाइड की चपेट में आई है, कि उसके बदले में प्योर लैंड, तो वो भी अभी हम यहाँ जो हमारे स्थानीय राजस्व अधिकारी हैं उनसे, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो चिन्हित करें और ताकि वो हम मामला सरकार को भेज पाएँ। बाकी जो ज़िला प्रशासन है या जितने हमारे संबंधित विभाग हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, BDO साहब हमारे साथ हैं, तो इन सब से हमने ये रिक्वेस्ट किया है, निर्देश भी दिए गए हैं कि जितने भी विभागों की स्कीमें हैं उन सब का लाभ इन लोगों को मिले। कि जैसा अभी 18 तारीख की सुबह बहुत अधिक बारिश जो हुई है पूरे प्रदेश में, खासकर बिलासपुर में, जो कि 2500% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो अपने आप में एक बहुत एक रिकॉर्ड है। तो उस दिन या सुबह जो लैंडस्लाइड आया उसमें करीब 7 परिवारों के 10 मकान जो हैं वो ज़मीन बोझ हो गए, और साथ में पशुधन जो है 16 जो है मवेशी वो भी इसमें जो है मारे गए, परंतु और सारा सामान जो था उनका वो भी सारा उसमें डैमेज हो गया। परंतु जो लोगों की मदद से और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से जो रेस्क्यू वगैरह जो है वो सफल रहा, परंतु उसके बाद अब जो है यहाँ पुनर्वास का जो कार्य है या जो बहुत अधिक नुकसान हुआ है उसके विषय में जो है अब हमें प्रभावी पग उठाने हैं।